नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है। एलनाबाद उपचुनाव के गांव मलेखा के अंदर आप सामने देख सकते हैं बीजेपी का जो यहां बैनर लगे हुए हैं गोविंद कांडा के, और बात कर लेते हैं जो समर्थक हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? दीपक। सर, क्या माहौल है चुनाव का? सुबह से बहुत बढ़िया माहौल है चुनाव का। क्या शांतिप्रिय तरीके चल रहा है? बहुत शांतिप्रिय तरीके। तो तीन प्रत्याशी यहाँ पे पवन बैनीवाल हैं, अभी सिंह चौटाला हैं, गोविंद कांडा हैं, किसी किसकी बढ़त मान रहे हैं आप? यहाँ से भारी मतों से गोविंद कांडा जी बढ़त बनाएंगे। सुबह से ही। तो बड़ा गाँव है, तो जो पोलिंग हो रही है यहाँ पे, तो किस तरह का माहौल है यहाँ? बहुत शांतिपूर्ण माहौल है और अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है, और बढ़त है जो शाम तक एक तरफा हो जाएगी, गोविंद जी के पक्ष में लड़े। क्या नाम बताया था आपने? दीपक। दीपक जी, ये बताइए कितने परसेंट वोटिंग अभी तक हो चुकी है पोलिंग? अभी तक यहाँ पर लगभग 50-53% पोलिंग हो चुकी है, यानी कि 55% मान लिया जाए। तो कितने परसेंट पोलिंग होने के चांस है? 80% मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 से प्लस भी जा सकती है। प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? बहुत अच्छा सहयोग है, जगह जगह बैरिकेडिंग है, अच्छा सहयोग है, बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था सब ठीक है? बहुत बढ़िया। जो अधिकारी हैं क्या वो आ रहे हैं? हाँ, अधिकारी आ रहे हैं, अच्छे से कोऑपरेट हो रहे हैं। तो देखा आपने जो बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ गांव मलेखा में, जो एलनाबाद उपचुनाव में जो आज चुनाव हो रहा है उसी को लेकर यहाँ आज पोलिंग हो रही है, और अब जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता लगेगा कि नतीजे किसकी पक्ष में जाते हैं और किसके पक्ष में नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है सर? कैसा माहौल है सर चुनाव का? माहौल शांतिप्रिय माहौल है एलनाबाद चुनाव का, आज तक का सबसे शांतिपूर्ण माहौल, आज तक का पहले इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण माहौल है, और वो तो नतीजे भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने परसेंट पोलिंग हो चुकी है अभी तक? लगभग 50% से ऊपर पोलिंग हो चुकी है। अंदाजा कितने परसेंट तक हो जाएगी? अंदाजा 85-90% तक पोलिंग। प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग है? बढ़िया, प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग। आपने कहा कि इस बार सबसे शांतिप्रिय चुनाव हुआ है, इससे पहले कोई चुनाव में कुछ गड़बड़ होती थी? नहीं, जो भी है अब की बार वो कुछ धक्का मुक्की वगैरह वगैरह वो नहीं है, शांतिप्रिय शांतिप्रिय। तो किस प्रत्याशी को आगे मानते हैं मारने हैं सुबह से? वो तो 2 तारीख को पेटियाँ खुलेगी। अच्छा, प्रत्याशी का तो जब सबको पता चलेगा। हाँ, तो देखा आपने जो बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ बैठे हैं, जो गोविंद कांडा के समर्थक हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी जे जी और बीजेपी के जो साझा उम्मीदवार हैं, यहाँ हमने दिखाया आपको गांव मलेखा से। तो आप जुड़े रहिए लगातार, हम आपको यहाँ की जो पोलिंग की रिपोर्ट है वो लगातार आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, गांव मलेखा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।